स्थित अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रांगण में आज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अपने पूर्वात्री छात्र जफर इकबाल द्वारा भेंट में दिए गए ई रिक्शा का ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के विभाग प्रभारी जनाब तौसीफ अहमद को औपचारिक हस्तांतरण समारोह पूर्वक किया गया। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर कॉलेज में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। ये हवा में बिखर जाती है और जहाँ गिरती है वहाँ स्प्राउट करती है, लेकिन कितनी बार होती है कि वो पेड़ के तने पर, पेड़ की शाखों पर भी वो बीज रहता है और वो वहां से स्प्राउट करना शुरू करता है। क्या समझे कि एक पेड़ है जो लगा हुआ है और उससे नॉरिशमेंट ले रहा है उसे बीज, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा। इसको बोलते हैं बायोलॉजी में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, वेयर वी बोथ बेनिफिट। जो पेड़ है वो भी उससे फायदा उठा रहे हैं और जो उसके ऊपर। साथ ही हमें इस बात की भी खुशी है कि डिप्लोमा स्तर से पास हुआ एक स्टूडेंट अपनी काविशों से, अपनी कोशिशों से आज एक कंपनी के शीर्ष पोस्ट पर, शीर्ष पद पर है, काम कर रहा है और ये हमारे लिए एक जिंदा जावेद। A gentleman of us, private room, by becoming the plant head and put the responsibility supplying the vehicles to the end customers। अब आपके घर के पास, अब आपके मोहल्ले में खुल चुका है सबसे सस्ता बाजार, जहां आपको रोजमर्रा जिंदगी के जरूरी सामग्री की खरीदारी करने पर मिलेगा 5% से 20% तक का डिस्काउंट और साथ ही खरीदारी पर मुफ्त पेट्रोल और डीजल के कूपन्स भी। जी हां, आपने ठीक सुना, अब आपके मोहल्ले के जवाहर नगर रोड नंबर 17 अंजान कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने केरला पब्लिक स्कूल मांगो के बगल में खुल चुका है स्मार्ट ट्रूप का सस्ता बाजार, जो आपको हर खरीदारी पर देगा बेहतर उपहार और जहां आपको मिलेगा किफायती दर में घर चलाने के लिए जरूरी सामग्री। तो एक बार जरूर पधारे मांगो जवाहर नगर रोड नंबर 17 के सस्ता बाजार में।